खरगोन जिले के आदिवासी अंचल अंजनगांव में बुधवार तड़के बीपीसीएल कंपनी का डीजल पेट्रोल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक महिला की मौके पर ही झुलसने से मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ग्रामीणों की भीड़ टैंकर पलटने के बाद मौके पर जुटी थी। देखते ही देखते टैंकर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और मौके पर मौजूद लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिला। टैंकर में भीषण विस्फोट हुआ और दूर दूर तक आग की लपटें उठने लगी। करीब 4 घंटे तक टैंकर जलता रहा। घटना विस्थान थाना क्षेत्र में सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। सूचना पर अस्पताल में डीआईजी तिलक सिंह, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर सिंह, एसडीएम ओम नारायण सिंह आदि अधिकारी पहुंचे, जहां घायलों के हाल जानने के बाद उपचार के हर संभव प्रयास के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि विस्थान थाना क्षेत्र के अंजनगांव में बीपीसीएल कंपनी का पेट्रोल डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा है। इस हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। आगजनी में एक की मौत हुई, जबकि 21 घायलों का जिला अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। 3 की हालत गंभीर है, उन्हें इंदौर रेफर कर रहे हैं। फिलहाल उपचार प्राथमिकता है। क्या घटना? देखो, बीपीसीएल के टैंकर पलटने की सूचना हुई थी, उस पर पुलिस, स्थानीय पुलिस पहुँच के उनको सीधे रेस्क्यू करके अस्पताल ले आए हैं और उनका इलाज चल रहा है। जो बेस्ट इलाज होगा वो करेंगे। हमने बीपीसीएल के अधिकारी जो इंदौर में, उनको भी बताया है, वो इंदौर में आयुक्त महोदय को भी इन्फॉर्म किया है। जो सीरियस लोग हैं उनको इंदौर शिफ्ट करेंगे प्राथमिक उपचार के बाद। ये दुखद घटना है, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि इनका प्रॉपर इलाज हो जाए और जल्दी से वो ठीक हो जाए। एक की रिपोर्ट है, लेकिन कुछ लोग और ज़्यादा जले हुए हैं, उनको प्राथमिक उपचार के बाद हम सीधे इंदौर भेजेंगे। अभी तक कितने लोग जल रहे हैं? ऐसे सब मिला के तो अब तक 23 लोग आ गए हैं यहाँ पे। एक दो लोगों के और आने की सूचना है। पेट्रोल का था कि डीजल का टैंकर? वो मिक्स होता है, उनके 4 कंपार्टमेंट होते हैं। जो टैंकर जो पता चला है, उसमें टैंकर में पेट्रोल भी था और डीजल भी था, अलग अलग। मैंने बीपीसीएल के अधिकारियों को बोला है कि अपनी टीम को भेज के वो जाँच कराएं। उनकी टीम खंडवा से निकल चुकी है, वो डिटेल बाद में आएगी। पहली प्राथमिकता तो है कि इनका इलाज हो जाए। किस इलाके में सर घटना? ये बिस्तान के आगे भगवानपुरा में आता है। खरगोन से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट।